Hi students, I am Atul Rana and I am back with the chemistry. So we have covered this solution and electrochemistry. The question part you solve it yourself. If you have some problems, you can contact me. And now I am going to start the organic chemistry. There are basically four chapters, main four chapters. Organic part consists six to seven chapters. So the main basic organic chemistry is four chapters only. Okay. So I am going to begin the first chapter, that is halogenides. I think this is chapter number 9. Okay, so this is halo alkenes and haloarenes. Okay, I am going to start halo alkenes and haloarenes. ठीक है, ये start करने का काम. ठीक है, तो start करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि what is a halo alkene. You know, halo word किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? Halo used for group 17. Group 17 is halogen. उसके लिए halogen word इस्तेमाल किया जाता है. तो halo means एक तो हैलोजन होगा और एक साथ में क्या होगा? अल्कीन होगा. हैलोजन होगा और साथ में क्या होगा? अल्कीन होगा. ठीक है, ये आगे हेलो अल्कीन्स. हेलो अल्कीन्स मीन्स हेलो होगा, कोई हैलोजन ग्रुप होगा, क्लोरीन ब्रोमीन एलोडीन, साथ में कोई अल्कीन ग्रुप होगा. और हेलो अरीन्स का मतलब आ गया एक हैलोजन ग्रुप होगा और एक अरीन होगा. ठीक है, अरीन क्या होता है? यू हैव स्टडीड टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर देयर. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स तुमने पढ़े होंगे 11th क्लास में, एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, जो अरोमा देते हैं, हत्ता रूल पढ़ा ना, जो अरोमा देते हैं, जैसे कि बेंजीन है, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड. तो एक तो हैलोजन ग्रुप होगा, साथ में कोई अरीन होगी. अरीन हो गया कोई मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बेंजीन जैसा. ठीक है, तो दो आर नोन एज हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स. ठीक है, इसका सिंपल सा तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं कि इथेन का फार्मूला तुम सारे जानते हो. इथेन का फार्मूला क्या है? C2H6. ओके, मैंने क्या किया थी, इस अल्कीन, दिस इज अल्कीन, दिस इज अ अल्कीन. मैंने क्या किया, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, क्या बन गया? C2H5. ठीक है, अब एक बॉन्ड और बना सकता है ये, एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने इसके साथ क्लोरीन अटैच कर दिया. इसके साथ मैंने क्या कर दिया? क्लोरीन अटैच कर दिया. ओके, सो जब अल्कीन में से एक एच निकल जाता है उसको बोलते हैं अल्काइल. उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल. जैसे C2H6 है, इसका नाम है इथेन. ठीक है, इसमें से एक एच मैंने निकाल लिया, बन गया C2H5. इसको बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल. गेटिंग द पॉइंट? अल्केन में से जब एक एच निकल जाता है तो अल्काइल ग्रुप बनता है. अल्केन में से एक एच निकल जाता है तो अल्काइल ग्रुप बनता है. दीज आर ऑल द बेसिक ऑफ 11th क्लास. ठीक है, जैसे मिथेन है, CH4 मिथेन है. ठीक है, मैंने इसमें से एक एच निकाल लिया, क्या बन गया? CH3. इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल. गेटिंग अ पॉइंट? सो C2H6 वाज अल्केन नेम्ड एज इथेन. मैंने इसमें से एक एच निकाल दिया, उसकी जगह हैलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इसका नाम होगा इथाइल. दिस इज इथाइल क्लोराइड. इसका नाम होएगा इथाइल क्लोराइड. इसी को क्या बोलते हैं? इट इज मेड अप ऑफ हैलोजन एंड अल्केन. इट इज मेड अप ऑफ हैलोजन पार्ट एंड अल्केन पार्ट. तो उसको बोल देते हैं हेलो अल्केन. सो इथाइल हैलाइड, हैलाइड मतलब कोई भी हैलोजन हो, इथाइल क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, कोई भी हो. ठीक है, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन एक ही बात है. अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन एक ही बात है. गेटिंग अ पॉइंट? दीज आर द सेम थिंग. ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं, जैसे कि तुम बनाओ प्रोपाइल क्लोराइड. ठीक है, प्रोपाइल का मतलब है, प्रो का मतलब है कितने कार्बन है? 3 कार्बन है. ठीक है, प्रोपेन से बनाओगा, प्रोपाइल मतलब प्रोपेन से बना है. ठीक है, प्रोपेन है, प्रोपेन का फार्मूला है C3H8. ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो वो बन जाता है प्रोपाइल, क्या बन गया? C3H7, ये बन गया. ठीक है, अब प्रोपाइल क्लोराइड, तो प्रोपाइल क्लोराइड मतलब एक एच निकाल के क्या लग गया? Cl लग गया. गेटिंग अ पॉइंट? तो ये क्या बन गया? प्रोपाइल क्लोराइड. ठीक है, इसमें क्या है? एक ये अल्केन है, अल्केन से अल्काइल आया ना, ये ग्रुप कौन सा है? अल्केन है, प्रोपेन है, ये प्रोपेन से प्रोपाइल आया. तो एक ग्रुप अल्केन है, एक हैलोजन है. ठीक है, तो इसको या तो बोल देते हैं, जैसे प्रोपाइल क्या है, जनरल नेम क्या होगा इसका? अल्काइल. प्रोपाइल कौन सा अल्काइल है?
अल्काइल ग्रुप में क्या था, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ये सारा अल्काइल आ गया। जैसे अल्केस में क्या था, मिथेन मिथेन ब्यूटेन, वैसे अल्काइल में क्या आएगा, मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल हेक्साइल सारे के सारे। ठीक है, तो ये आ गया प्रोपाइल मतलब इन फॉर्म ऑफ अल्काइल, एंड क्लोराइड, क्लोराइड किसका कौन सा ग्रुप का, हैलोजन का, तो प्रोपाइल अल्काइल है। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्काइल है, इट इज मेड अप ऑफ वन हैलोजन एंड वन अल्केन ग्रुप, अल्केन से है ये, तो इसको बोल देंगे और हेलो अल्केन, इसको बोल देंगे हेलो अल्केन। ओके, ठीक है, इसको बोल देंगे हेलो अल्केन। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ गया, C3H7Cl। ध्यान से सुनना, ये स्टार्टिंग है, ये समझ आ गया तो बाकी आसान है। तो इसका या बोल सकते हैं इसको अल्काइल हैलाइड बोल देंगे, या इसको बोल देंगे हम अल्काइल हैलाइड बोल देंगे, या इसको हम बोल देंगे हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, या इसको बोल देंगे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, या हैलोजन अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, तो इसके दो नाम हो सकते हैं, एक तो उसका सिंपल नाम कौन सा गया, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, इस हिसाब से उसका क्या नाम आ गया, अल्काइल ग्रुप कौन सा इसमें प्रोपाइल, और हैलाइड ग्रुप कौन सा क्लोराइड, तो प्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, या हेलो के हिसाब से इसमें हेलो ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन वाला, तो हेलो के साथ लिख दो क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, हेलो मतलब क्लोरो, और हेलो अल्केन, और अल्केन ग्रुप कौन सा इसके साथ, प्रोपेन वाला है, प्रोपेन से प्रोपाइल आया ना, तो प्रोपेन वाला है, तो हेलो अल्केन, हेलो मतलब क्लोरो, और अल्केन कौन सा है, प्रोपेन वाला, तो इसका रहेगा क्लोरो प्रोपेन, तो ऐसे भी इसका नाम आ सकता है। गेटिंग अ पॉइंट, सो ये आ गया, प्रोपाइल क्लोराइड बोल दो, प्रोपाइल क्लोराइड बोल दो, या क्लोरो प्रोपेन बोल दो, प्रोपाइल क्लोराइड बोल दो, या क्लोरो प्रोपेन बोल दो, क्लोरो प्रोपेन बोल दो, या प्रोपाइल क्लोराइड बोल दो, एक मतलब है। Getting my point? So this was what? Hello alkenes. This was hello alkenes. Okay. Now हमारा chapter का जो दूसरा part है that is hello arenes. दूसरा आ गया hello arenes. ठीक है? दूसरा आ गया hello arenes. ठीक है? Hello arenes. Arene मतलब कोई भी aromatic group, जैसे benzene ले लो. ठीक है? Benzene का formula क्या है? बेंजीन का फार्मूला है C6H6। ठीक है, हर एक पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैलेंस ही करो ना कार्बन की, एक कार्बन दो कार्बन, यहां पे दो तीन चार, तो हर एक पे एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये बेंजीन है, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक हाइड्रोजन हटने में क्या बनेगा, बेंजाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजाइन। Now, एक हाइड्रोजन मैंने इसमें से हटा दिया, ये क्या बन गया, बेंजाइन। ये तो मैंने हाइड्रोजन हटाया था, इसकी जगह मैंने लगा दिया ब्रोमीन, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, बेंजाइन ब्रोमाइड। जैसे उसकी नेमिंग होती हो रही थी ना, जैसे उसकी नेमिंग हो रही थी C3H7Cl, क्या बोल रहे थे उसको, प्रोपाइल क्लोराइड। उसी तरीके से बेंजाइन, बेंजीन में से एक एच हटा दिया तो बेंजाइन बन गया, बेंजाइन ब्रोमाइड। ठीक है, या इसकी दूसरी नेमिंग क्या थी, इसकी दूसरी नेमिंग थी हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, हेलो मतलब क्लोरो प्रोपेन, इसकी दूसरी क्लोरो प्रोपेन हो सकती थी, तो इसके अगर बेंजाइल ब्रोमाइड है तो दूसरी क्या होगी इसकी, हेलोजन ग्रुप कौन सा इसमें, ब्रोमीन है, तो आ जाएगा ब्रोमो दिस ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन कौन सा अलीन है, बेंजीन वाला है। ठीक है, तो ब्रोमो बेंजीन, जैसे हेलो अलीन, हेलो मतलब ब्रोमो है, और अलीन ग्रुप कौन सा, बेंजीन है, बेंजीन से बनाया बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन आ गया। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स व्हिच आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स, एंड हेलो अरीन्स व्हिच आर आल्सो नोन एज अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो होता है अराइल ग्रुप होता है, नेमिंग वैसे सेम ही करेंगे, नाम में फर्क है, उसमें अल्काइल ग्रुप होगा सिंपल, इसमें अराइल ग्रुप होगा कोई चेन वाला डबल बॉन्ड्स वाला। गेटिंग योर पॉइंट, सो दिस इज हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स nomenclature. Okay, now we will study about the classification, we will study about the classification in detail. Okay, now classification of hello alkenes, classification. Okay, so first classification which we are going to study is on the basis of number of halogen atoms. First classification on the basis of number of
हैलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे ये है CH3CH, ठीक है, ये कौन सा अल्केन है, पहले हेलो अल्केन है, कौन सा हेलो अल्केन है, ये हेलो अरीन नहीं है क्योंकि ये कौन सा ग्रुप अल्केन है, तो हेलो अल्केन है, ठीक है। अब इसमें हेलोजन ग्रुप कितने लगे, एक लगे, उसको बोलेंगे मोनो, मतलब एक मोनो हेलो अल्केन, इसको बोल देंगे मोनो हेलो अल्केन, ठीक है, इसको बोल देंगे मोनो हेलो अल्केन। अब दूसरा देखो, इसमें मान लो ये आ गया CH3, ऐसे निकलो ऐसे निकलो कोई चक्कर नहीं है, CH3CL, ठीक है। अब इसमें देखो कितने ग्रुप है हेलोजन के, दो हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो, इसमें मोनो हेलो था, एक हेलो था, हेलोजन ग्रुप था, इसमें डाई डाई हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ओके। तीन हो गए तो ट्राई हेलो अल्केन, चार हो गए तो क्वाड्रा हेलो अल्केन, ठीक है, तो मोनो डाई डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। उसी तरीके से अरेंज की बात करते हैं, तो जैसे बेंजीन रिंग है, इस पे एक क्लोरीन लगी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो। अब यहां पर देखो मोनो हेलो अल्केन है, बट दिस इज नॉट अल्केन, दिस इज अरीन, अरीन समझते, एरोमेटिक कंपाउंड, मोनो हेलो अरीन बोल देंगे, ठीक है। मान लो यहां पे एक यहां पे है, एक यहां पे है, कितने ग्रुप है बेंजीन के साथ, दो हैं, तो उसको बोल देंगे डाई हेलो अरीन, ठीक है। तीन ग्रुप लग जाएंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीन ग्रुप लग जाएंगे तो बोल देंगे ट्राई हेलो अरीन, ओके। दिस इज द टाइप ऑफ दिस व्हाट यू से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल सी है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज हैलोजन, देखो अब दो इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इसमें एक और स्पेशल पार्ट आता है, दैट इज जेम डाइहैलाइड एंड विक डाइहैलाइड, ठीक है। अब देखो जेम है और विक है, दोनों डाइहैलाइड है, डाइहैलाइड मतलब हैलोजन दो दो है, ठीक है। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं तो ये ले लू अल्केन, एक दो तीन, ठीक है, ले लिए, तो डाइहैलाइड मतलब दो हैलोजन है, तो हो सकता है दोनों हैलोजन सीएल सीएल बैलेंसिंग हो रही है उसकी, एच 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 एच, दोनों हैलोजन हो सकता है एक एक ही कार्बन पे अटैच हो, कार्बन नंबर बांधे 1 2 3, दोनों हैलोजन अगर एक ही कार्बन पे अटैच होंगे वैसे डाइहैलाइड्स को बोलेंगे जेम, जेम डाइहैलाइड्स, अगर दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है सी सी सी, ये आ गया, तो देखो इसमें हो सकता है एक हैलोजन इस तरफ हो, एक हैलोजन इस तरफ हो, बाकी बैलेंस कर लो, एच 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 एच। नाउ बोथ द हैलोजन ग्रुप्स आर नॉट ऑन द सेम एटम, बोथ द हैलोजन ग्रुप्स आर नॉट ऑन द सेम एटम, सेम कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, जब अलग अलग कार्बन पे होंगे हैलोजन एटम्स, डाइहैलाइड की बात, स्पेशली डाइहैलाइड की, तो उसको बोलेंगे विक डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसका नेमिंग तुम कर सकते हो, इसमें नेमिंग क्या करोगे तुम, क्लोरीन ग्रुप किस किस पे, 1 पे, तो उसकी नेमिंग देखो, जैसे तुमने नेमिंग की होगी तो नेमिंग कैसे कर सकते हो, उसकी नेमिंग तुमने पिछली क्लास में पढ़ लिया 11th में, तो 1.1 डाइक्लोरो, 1.1 1 पे 2 क्लोरीन, 1.1 डाइक्लोरो, 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 1.1 डाइक्लोरो प्रोपीन, ये आंसर आ गया इसका, 1.1 डाइक्लोरो प्रोपीन, सिंपल है, सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, 1.1 डाइक्लोरो प्रोपीन। यहां पे क्या होगा, यहां पे 1.2 डाइक्लोरो, ये भी डाइक्लोरो है, बट द पोजीशन ऑफ क्लोरीन इज ऑन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, 1.2 डाइक्लोरो प्रोपीन, इसका वो आ जाएगा, ठीक है। जब नेमिंग करोगे तो बीच में स्पेस नहीं देते हैं, सीधा चलता है, बस हाइफन आ सकता है, स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि डाइक्लोरो का प्रोपीन में स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसकी आ गई आईपीसी नेमिंग, ये इसकी कैसी नेमिंग आ गई, ये आ गई इसकी आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग आ गई, आईयूपैक, ठीक है।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अभी अब इसका देखो कॉमन नेम और होता है, ठीक है, जो जैम वाले होते हैं उनके नीचे उनके पीछे ईन लगा देते हैं, डाई ईन लगा, इथाइली डीन लगा देते हैं। जैसे इसमें कितने हैं, एक दो तीन, तीन है, तो इसका बनेगा प्रोपाइल, प्रोपाइल तो हो गया, प्रोपाइल डीन, इडीन लास्ट में लग जाता है, प्रोपाइल डीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड प्रोपाइल डीन कॉमन नेम आ गया इसका, प्रोपाइल डीन इडीन इथाइल डीन, इथाइल डीन आ जाए या प्रोपाइल डीन आ जाए, इसका मतलब है कि वो जेल है, ठीक है। और इसमें सिंपल लिखते हैं तीन है तो प्रोपाइल लीन, इसमें प्रोपाइल लीन डाइक्लोराइड, जो विक वाला है उसमें प्रोपाइल लीन लिखते हैं, प्रोपाइल लीन सिंपल इन, और इसमें इडीन लिखते हैं, जेम प्रोपाइल डीन इथाइल डीन, ठीक है। फिर ब्यूटाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन आगे मतलब जो बाहर के क्लोर, डाई डाई कोई भी क्लोर होगा वो एक स्पे लगाना है, ठीक है, और सिंपल आया तो उसका मतलब उस पर रखिए। सो दिस द क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बस मैं थोड़ी सी बेसिक क्लियर हो चाहिए, जैसे नेमिंग तो मैंने चाहिए, ओके। बाकी मेरे साथ रहो, आई विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो sp3 हो सकती है, sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3d2 हो सकती है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हियर वी विल यूज ओनली sp, sp2 एंड sp3। इसे कैसे पता चलेगा, देखिए एग्जांपल है, h, कुछ भी जुड़ा है, चार बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो काउंट करो s p p p, शुरू में पी तीन तक जा सकते हैं, ऐसे ही होता है, sp sp2 sp3, फिर sp3 भी आ जाएगा, तो sp3d sp3d2, तो पहले स्टार्ट करना बेसिक से, किसी को दे दो sp p p, कितनी होगी इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन, sp3, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3, ठीक है। अब जैसे डबल बॉन्ड कार्बन है, h, मैं इस कार्बन की तुमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता हूं, किस कितनी होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इसकी होगी sp, और एक डबल बॉन्ड को ना जब तुमने शॉर्ट ब्रेक में देखा ना, डबल बॉन्ड को सिंगल मान के चलना है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है। तो कार्बन नंबर, इस कार्बन की, कार्बन वन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp2, कैसे, sp p, गेटिंग द पॉइंट, डबल बॉन्ड को तुमने p2 नहीं गिनना, एक ही पी गिनते हैं, बॉन्ड बनाया ना सिंपल, ठीक है, तो आगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, मैं तुम्हें बोल दूं कि कार्बन नंबर वन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितनी होगी, s, और इसको एक बॉन्ड है तो p मानेंगे, sp, गेटिंग अ पॉइंट। सो कार्बन के बॉन्ड देखिए, अगर चार है तो sp3, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे तुम जल्दी से जज कर सकते हो, हमारे जो इस वाले में यही आएगा, गेटिंग अ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन को तुम जज कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें मैं बता दूं कि जैसे अल्केन है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, 10+ बड़ा होते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला कि अच्छा इसका बनाओ, इथेन का बनाओ, तो तुम बोलोगे C2, तो तुम बनाओगे अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, तो तुम बनाओगे इथेन का बना दिया, इथेन का बना दिया C2H2n2 4H6 बन गया, ठीक है, बन गया। अच्छा अब मैं तुम्हें बोलूं अल्काइल का बनाओ, अल्काइल देखो, अल्केन और अल्काइल में एक फर्क होता है, अल्केन में से एक एच निकाल लेते तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, अल्काइल ग्रुप का सिंबल होता है आर, सिंबल होता है आर, ठीक है। तो मैं बोलूं इथेन से इथाइल बनाओ, इथेन से इथाइल बनाओ, तुम्हें पता इथेन में से एक एच निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इथेन का C2H5 है तो इसका C2H6 है, C2H5 बना दो, दिस इज इथाइल, ओके, इथाइल मीन्स आर ग्रुप, जनरल फार्मूला अल्काइल का, ठीक है। और जैसे तुम बोलो मिथेन है, दिस इज मिथेन, मिथेन से मिथाइल बनाओ, मिथाइल का फार्मूला आएगा CH3, ये मिथाइल, मिथाइल आ गया, ठीक है। तो R, R मीन्स अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप का सिंबल है R, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो अब इसी के बेस में है, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मान लो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब है कार्बन 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा, ठीक है। अब इसमें तीन टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो वाले कीज, तो हेलोजन तो एक तो होगा ही होगा, एक तो हेलोजन होगा ही होगा, एक तो हेलोजन होगा ही होगा, एक हेलोजन होगा ही होगा, यहां पे भी देखो एक हेलोजन होगा ही होगा, ठीक है। अब कार्बन देखो sppp sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है सारे का सारा, ठीक है। अब देखो ये जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड पढ़ के ना, अल्काइल हैलाइड क्योंकि एक एच कम हो गया, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर मान लो कार्बन के साथ सिर्फ एक आर जुड़ा हो, एक आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 C3H7 कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, बाकी एच हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मीन्स अल्काइल ग्रुप एक ही होगा, CH3 C2H5 कुछ हो सकता है, बाकी एच एच होंगे और हैलोजन तो होना होना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री बोलते हैं इसको, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब सिर्फ एक आर ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। मान लो इसके साथ दो आर ग्रुप जुड़े हैं, इसका दो आर ग्रुप जुड़े हैं तो एक एच होगा, तो जब दो आर ग्रुप जुड़े हैं, दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब जब तीनों क्या होंगे, तीनों अल्काइल ग्रुप होंगे, कुछ भी CH3 C2H5 C3H6 कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, कोई एच नहीं होगा, तीनों जब आर होंगे तो उसको बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड उसको बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ओके। सो अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, मतलब सिर्फ एक आर ग्रुप होगा, एक अल्काइल ग्रुप होगा, दो अल्काइल ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तीन आर ग्रुप होंगे तो टर्शियरी या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। गेटिंग अ पॉइंट, ओके, ये आ गया। अब देखो इसके आगे क्लासिफिकेशन और करते हैं, ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आगे एक उसको आगे इसकी चार क्लासिफिकेशन और, ठीक है, छोटे छोटे हैं दो, इसमें देखो आगे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन दो और है, ठीक है। एक होगा अलाइल हैलाइड वर्सेस बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म तुम्हें आने चाहिए, वर्सेस बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। और एक होगा विनाइल हैलाइड वर्सेस अराइल हैलाइड, ठीक है, विनाइल हैलाइड वर्सेस अराइल हैलाइड, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, तुम्हें पता है इसमें जो हैलोजन होगा, किस केस में, दोनों केस में हैलोजन क्या होगा, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। इसमें हैलोजन जैसे ये है, इसमें हैलोजन क्या है, एक्स मतलब कोई भी, क्लोरीन ब्रोमीन, ये तो हैलोजन है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चेन कौन सी एलिफेटिक है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हैलोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है और कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के कॉन्टेक्ट में है, तो उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड, उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड, इसका कॉमन मतलब विनाइल हैलाइड। कहते ना पॉइंट, विनाइल और अराइल सेम जैसे हैं, पर इसमें जो हैलाइड होगा वो किसके साथ जुड़ा होगा, जैसे किसके साथ, एक्स मतलब कोई भी हैलाइड, तो वो जिस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा वो किसी एरोमेटिक रिंग का होगा, ठीक है। विनाइल और अराइल में हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो डबल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल है, ठीक है। ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा हैलोजन डायरेक्टली ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल है, ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल है, उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड या अराइल हैलाइड, ठीक है। दोनों सेम ही है, पर इसमें एलिफेटिक चेन होगी, मींस कोई वो रिंग रंग नहीं होगा, एलिफेटिक चेन होगी, ठीक है, सिंपल भाषा में रिंग समझ लो, एलिफेटिक चेन होगी और इसमें एरोमेटिक चेन होगी। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हैलोजन है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्वाइन नहीं होगा, जैसे इसमें देखो हैलोजन क्या होगा, एक ऐसे कार्बन के साथ ज्वाइन होगा जो आगे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ज्वाइन होगा,
ये फर्क है। अलाइन में हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन के साथ ज्वाइन होगा जो आगे जाके खुद ये कार्बन हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो आगे जाके डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। सिंपल सी बात है, समझे बात को। उसमें तो डायरेक्टली भी हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच था तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल था, इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो खुद डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल नहीं पर उसके आगे वाला कार्बन शामिल है। इसी तरीके से बेंजाइन में क्या करेंगे, ये ले लेंगे सी एक्स एच एच, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन के साथ शामिल है जो आके एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, पर वो डबल बॉन्डेड कार्बन अगर एरोमेटिक रिंग का है तो उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। सो बेंजाइल हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड आर बेसिकली सेम, बस रिंग का फर्क है। इसमें एरोमेटिक रिंग होगी, इसमें एलिफेटिक, एलिफेटिक मतलब सिंपल सी जिसमें एरोमा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड सेम है। गेटिंग अ पॉइंट, इसको फिर से सोचना, दिस इज वेरी इजी।